इस टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ लाहौर फैमिली के साथ, तो हमने कहा जा रहे हैं तो ब्लॉग बनाना चाहिए, क्या कहते हैं? इस टाइम पे है मेरा और अभी थोड़ी देर के लिए बस रुकी है, हम लगा थोड़े हल्के छलके हो जाए और थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जाए वो बस। फिर कैमरा मैंने निकाला नहीं अभी तक बाहर क्योंकि दिल नहीं कर रहा था, बैग के अंदर ही रखा हुआ, हमने कहा लाहौर जाके निकालेंगे, बस ये सीन है। अहमद भाई मेरे साथ हैं, मामू मेरे साथ हैं, ज़रा इस्तेमाल के लिए हमने कहा थोड़ी विंडो शॉपिंग कर लें। क्यों मामू, विंडो शॉपिंग कर लेते थोड़ी सी? बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, और तो हमें कुछ करना नहीं है, तो मॉल मॉल आए हैं लेकिन ऐसे लग रहा हॉस्पिटल आए। हाँ सही बात है, अहमद ने मास्क पहना हुआ। हम खड़े हैं फैसल टाउन, फैसल टाउन अनारकली स्वीट्स, अनारकली स्वीट्स। ये है मेरे कज़न भाई फ़खर भाई, तो अभी हम लोग आए सबस चाय पीने। ये सबस चाय पीछे मामू मेरे ले रहे हैं वहाँ पे, ये खड़े मामू ये। तो जब भी आए यहाँ की सबस चाय लाजमी भी है भाई, ये केक बेकर्स केक बेक्स के साथ है अनारकली स्वीट्स, अनारकली स्वीट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हाल होगा? इट्स माय सेकंड डे इन लाहौर और अभी मेरे बालों को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, मैं अभी जा रहा हूँ कज़न के साथ जिम करने आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो ये एक मोटिवेशन भी है कि वापस आके मैंने जिम करनी है, तो बस फिर अभी निकलते जिम की तरफ। रवा दवा है हमारे साथ, इनकी इनके कहने में मैं जा रहा हूँ, इन्होंने कहा है तो मैं जा रहा हूँ। हाँ जी, वरना मेरा कोई मूड नहीं था, जरूरी था इनको ले जाना मोटिवेट करना, ये मोटिवेट जरूरी है, वापस जाके भी जब करूँगा वापस। चले अब चलते हैं। सो पहुँच गया भाई बॉडी जोन ऊपर, अहमद भाई हमारे साथ है और आज हम करेंगे जिम। फहीम भाई भी आ गए हैं जी, बहुत अच्छे फिटनेस ट्रेनर हैं। ऐसा ये चले इनसे मुलाकात करते हैं फहीम भाई से। लेकिन अभी काफ़ी स्वेट आज की गेम का गेम भाई है सर। भाई आज तो
अहमद भाई ने थका दिया, मज़ा आया वैसे बहुत। काफ़ी अरसे बाद ना शोल्डर की गेम लगाई है, और अभी ये वो मसला जो हर बंदा लगाने से पहले घबराता है, लेकिन ये मेरा फेवरेट है, ये हर ज़्यादातर जो इसका फेवरेट होता है। मेरा दोस्त है जैन, जैन भाई, जैन भाई आपको बड़ा मिस किया वैसे आप शोल्डर लगाते हुए, तो उनको भी बड़ा पसंद है। वो जब भी हमारी गेम होती है ना शोल्डर की, मगर जैन भाई आज छुट्टी है। अच्छा, नहीं शोल्डर ज़रूरी है, शोल्डर लगाया करें, इसके जो आपके ये मतलब अपर जो शेप है ना बॉडी की, वो शोल्डर से ही बनती है। सही हो गया। आपके ये डेल्टॉइड्स हैं, रेयर, एक बैक वाला जो सबसे पहले हमने एक्सरसाइज किया, हाँ जी, और एक ये साइड वाला मिडिल वाला जिसको कहते हैं, और एक फ्रंट वाला, ये तीनों की आपने एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा श्रग्स जो लास्ट में हमने किए थे, सही हो गया, ये आपने पूरा एक पैनल है, हाँ वो करना है, ठीक हो गया। बस अभी भाई ये दो दिन है यहाँ पे लाहौर में, मैं और जितनी बद प्रेरियाँ कर सकता हूँ कर लूँ, इतने का एक लिमिट तक बद प्रेरियाँ, ये ना हो कि खुशी में बिल्कुल फाड़ ही दो बना को, तो ये बस लिमिटेड करके वापस इंशाल्लाह जाके उसके बाद फिर बैक टू रूटीन इंशाल्लाह, फिर जिम भी वॉक जो फिर देखूंगा क्या करूँगा, लेकिन जो भी करूँगा, हाँ मतलब आपने अब प्रॉपर करना है, इंस्ट्रक्शंस लेनी है, बेशक ये इनसे ले लें, फहीम भाई से, फहीम भाई का चैनल है थिंक फिटनेस विद फहीम, देखें तो उस पे जाके आपने उनसे जो उनकी बेली फैट वाली जो सारी वो वीडियोस हैं वो देखनी है फैट लॉस की, उसके बाद आपने पहले सबसे पहले फोकस करना है फैट लॉस पे, उसके बाद मसल गेन। सही बात है, तो शेप अप करें, बॉडी एक दफा जिंदगी मिलती है, सही बात है, उसी को शेप करें, अच्छा लगता है यार, क्योंकि मेरा जब लास्ट टाइम वजह माशाल्लाह काम हुआ था तो बड़ा ना रिलैक्सिंग फील होता है और बड़ा अच्छा फील होता है। अब आपको एक फेमस पर्सनालिटी का घर दिखा रहे हैं जो पहले होता था, अब नहीं होता लेकिन पहले भी है, अच्छा अभी भी है, लेकिन वो इधर रहते नहीं है ना, उसके भाई रह रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं शिबाज भाई, आतिफ के बड़े भाई हैं, आतिफ असलम, आतिफ असलम के बड़े भाई हैं, वो अभी भी यहाँ पे यहीं पे रहते हैं, वो खुद भी आता रहता है यहाँ पे विजिट करिए, वाला घर है व्हाइट गेट, ये वाला यहाँ पे उसका सारा बचपन, हम भी यहाँ पे खेलते रहे हैं, बास्केटबॉल भी लगा हुआ है यहाँ पे अभी तक लगा हुआ है, तो ये आतिफ असलम का भाई घर था। अरे भाई अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज हमें आपसे मिलने का बहुत शौक है। हाँ भाई, तो एक साल पहले मैं यहाँ पे आया था, तो सेम इसी जगह पे खड़ा होकर मैंने बोला था अभी आया हम लाहौर में और अभी कुछ चिल चिल करेंगे, कुछ कभी कुछ भी करेंगे, पता नहीं, मैं लिंक डाल देता हूँ तो आप देख लीजिएगा। तो इस जगह पे खड़ो के जो फील आता ना, ताज़ा ताज़ा हवा और क्या मज़ेदार व्यू है, व्यू कुछ भी नहीं है खैर, लेकिन हवा बड़ी अच्छी लग रही है इस टाइम पे, और आपका भाई इस टाइम पे फुल सिर्फ एक शरवा के बीच में खड़ा हुआ है, मतलब थर्ड लग रही है, लेकिन वो जो थर्ड फील करने का मज़ा है ना। और हमारे साथ आज एक और बच्चा भी मौजूद है। हाय गाइस। हाँ भाई, तो अभी हमें है लाहौर में तीसरा दिन, आज इस वक्त हम हैं पार्किंग एरिया एम्पोरियम मॉल। अभिषेक साहब, तो पूरे मॉल आए जी, हमने कहा थोड़े से मजे ले लें। हाँ भाई, तो खाई ना कुछ खाना आपने? अभी मूड नहीं, अभी मूड नहीं है, बाद में आइसक्रीम खाएगी मुझे पता है। तो अभी हम आए हैं पूरे मॉल और पूरा घूम लिया है, अच्छी जगह है बहुत अच्छी जगह जी, आना चाहिए तो हाँ भाई, अब हाँ भाई, तो दिस इज़ इट, दिस इज़ माई टू डे टूर टू लाहौर, और फैमिली के साथ आया था इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ब्लॉग शॉक किया नहीं, तो बस यही था लोग, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस एंड बेस्ट ऑफ लक, और यहाँ पे बच्ची खड़ी, बाय बाय। पहले जब लाहौर जा रहा था साल पहले तो मैं अकेला था, लेकिन अब बेगम साथ है, अभी अब हम इंतज़ार फरमा रहे हैं बेगम जी का, बेगम आएंगी तो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे यहीं पे खड़े हो गए, एक बंदे ने मुझे बोला था, हाँ भाई फुलान अहमद आप लग, तो काशान भाई अगर आप देख रहे हो तो हेलो फ्रॉम द सेम प्लेस वी स्टे एंड वी से गेम्स कुछ ऐसे। सो राइट नाउ आफ्टर अ ईयर आई कैम बैक विद माई वाइफ एंड बस अभी वापस आ रहे हैं।
अब जाके मैं शोल मेला लगाते हैं, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बात करते हैं।